हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनअकैडमी स्टूडियो प्रभाव। आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं अनुज कुमार शर्मा। दोस्तों, मैं आप सभी के साथ एक कोर्स स्टार्ट करने वाला हूं। इस कोर्स का जो टारगेट है वह है आईएएस 2020 का प्री, और जो मैं जो कोर्स आप लोगों के साथ स्टार्ट करने वाला हूं वो है स्पेक्ट्रम, यानी कि मैं आप लोगों को स्पेक्ट्रम कराऊंगा विद इन 100 आवर्स में। यानी कि आपका जो मेरे साथ सफर होगा स्पेक्ट्रम का 100 आवर्स का रहेगा। स्पेक्ट्रम का मीनिंग हो गया, मैं आप लोगों को आधुनिक भारत पूरे 100 आवर्स में कंप्लीट कराऊंगा। दोस्तों, आज के इस सेशन भी स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन और इस अनअकैडमी प्लेटफॉर्म के बारे में आपको थोड़ा सा परिचय कराना चाहूंगा। मेरा नाम दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया, अनुज कुमार शर्मा है, और मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन केमिस्ट्री से किया है आगरा यूनिवर्सिटी से, और मैंने 3 बार आईएएस का मेंस भी दिया है बच्चों। और उसके साथ साथ जो अदर स्टेट पीएससी एग्जाम होते हैं लाइक यूपीपीएससी, आरपीएससी, इनके मैंने इंटरव्यू भी दिए हुए हैं। और उसके साथ साथ बच्चों, विगत 7 वर्षों से मैं आईएएस के बच्चों को भारत के विभिन्न शहरों में जैसे दिल्ली, प्रयागराज, लखनऊ आदि में लगातार पढ़ा रहा हूँ। और बच्चों, मेरे जो पढ़ाने के टॉपिक है वो है हिस्ट्री, पॉलिटी एंड करेंट अफेयर। बच्चों, ये हो गया मेरा इंट्रोडक्शन। अब मैं चाहता हूँ कि मैं इस अनअकैडमी प्लेटफॉर्म के बारे में आपको थोड़ा परिचय करा दूँ। दोस्तों, ये जो अनअकैडमी का प्लेटफॉर्म है, यहाँ क्लासेस के साथ साथ कुछ स्पेशल क्लासेस भी कराई जाती हैं। इन द सेंस की स्पेशल क्लास का अर्थ हो गया मोटिवेशन क्लास, यानी कि आपको कैसे टाइम मैनेजमेंट करना है, आपको आंसर राइटिंग कैसे करनी है, आपको MCQs को कैसे सॉल्व करना है, आपको कैसे मोटिवेट लगातार होते रहना है। तो इस प्रकार की क्लासेस भी, यानी कि कंटेंट की जो क्लासेस होंगी टॉपिक की, उसके साथ साथ इस प्लेटफॉर्म पे आपको स्पेशल क्लास भी मिलेंगी। यानी कि आपको कंटेंट के साथ साथ लगातार हम लोग मोटिवेट भी करते रहेंगे कि बच्चों आपको कैसे पढ़ना है, कैसे लगातार आपको तैयारी करनी है। अब मैं इस प्लेटफॉर्म पे जो टॉप मोस्ट एडुकेटर्स हैं उनसे आपका परिचय कराना चाहूंगा। डॉक्टर रोमन सैनी सर हैं, जो कि इसके फाउंडर भी हैं, एक बहुत अच्छे टॉप मोस्ट एडुकेटर हैं। मृणाल पटेल सर हैं, जतिन वर्मा सर हैं, डॉक्टर सिद्धार्थ अरोड़ा जी हैं, रजनीश राज सर हैं, मधुकर कोटवे सर हैं। तो ये इंडिया बेस्ड सबसे टॉप मोस्ट एडुकेटर हैं जिनको कि आप इस प्लेटफॉर्म पे आप पढ़ेंगे। इसके साथ साथ अब सवाल उठता है कि आखिर ऑफलाइन को छोड़ के आप हमारे साथ क्यों जुड़े। तो बच्चों, इसको मैं आपको एक उदाहरण से समझाता हूँ। देखिए, ऑफलाइन क्लासेस ऑल ओवर इंडिया में दिल्ली, लखनऊ, इलाहाबाद जैसे शहरों में प्राप्त होती है। और ऑफलाइन क्लासेस यानी कि फेस टू फेस का अर्थ है आपको एक साल की फीस कम से कम 1,60,000 रुपए आपको देना पड़ेगा। लेकिन ये तो सिर्फ कोचिंग की फीस है बच्चों, इसके साथ साथ आपको जो है रहने का जो खर्चा है, रहने का खर्चा और फीस, ये टोटल मिला के करीब करीब 4 लाख के आसपास आपका पूरे साल भर का खर्चा आएगा। यानी कि लेकिन ये जो खर्चा है, ये जो कॉस्ट है, हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता है। और दूसरी बात, यही जो आपकी तैयारी है, जो दिल्ली बेस्ड आप जो आना चाहते हैं, यही तैयारी आपको ऑनलाइन दिल्ली बेस्ड एजुकेटर से इस प्लेटफॉर्म पे आपको प्राप्त हो जाएंगी। और बच्चों, हमारे यहाँ कई प्रकार के प्लान हैं, लेकिन जो बच्चे सीरियसली तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए मिनिमम जो प्लान 1 साल का है वो सबसे सफिशिएंट है। और जो एकदम बिगनर हैं, जो कि प्लस टू पास के बच्चे हैं, उनके लिए 24 मंथ का प्लान है। अब मैं इन प्लान से आप लोगों को रूबरू करा देता हूँ कि प्लान के अंदर है क्या। बच्चों, अगर आप 1 साल का प्लान अगर आप परचेज करते हैं तो आप इस 1 साल के प्लान में आपको पर डे 30 घंटे से ज्यादा लाइव सेशन मिलेंगे, और ये सेशन इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में आपको प्राप्त होंगे। और इस 1 साल के दौरान मोर देन 77 टॉप के एडुकेटर हैं जिनसे आप लोग पढ़ेंगे। यानी कि ऐसा नहीं है कि आप मेरी क्लास कर रहे हैं तो किसी और की क्लास नहीं कर सकते, आप इस अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे किसी की भी क्लास कर सकते हैं। यानी कि आप तैयारी के दौरान आपको विभिन्न एडुकेटर के साथ पढ़ने का मौका प्राप्त होगा। ऐसा मौका आप लोगों को ऑफलाइन में प्राप्त नहीं होता है। जो कोचिंग इंस्टीट्यूट में जो फैकल्टी है आपको उन्हीं से पढ़ना पड़ेगा, लेकिन इस प्लेटफॉर्म का फायदा ये है आपको विभिन्न एडुकेटर से आपको पढ़ने का मौका मिलेगा। अब दोस्तों, ये जो
एक साल की फीस है ये है 40,000, यानी कि आप देखिएगा जो कोचिंग की फीस है एक साल की 1,60,000 रुपए और 40,000, कितना डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, लेकिन ये डिफरेंस और भी कम हो सकता है जब मेरा आप रेफरल कोड AKS लाइव, जब आपको इसको अप्लाई करेंगे तो आपको आपके एक साल की कोर्स पे 10% का डिस्काउंट प्राप्त होगा। यानी कि आपको मेरा जो रेफरल कोड है AKS, इसको आप यूज करेंगे तो आपको फायदा होगा 10% का, यानी कि ये आपकी फीस हो जाएगी बच्चों 36,000। ये तो बच्चे होगा एक साल का प्लान, लेकिन एक जो प्लान मैंने आपको बताया, जो बच्चे अभी जस्ट 12th पास किए हैं, ग्रेजुएशन को स्टार्ट कर रहे हैं या फिर ग्रेजुएशन के सेकेंड ईयर में, और जिनके पास एज अभी 21 नहीं है, उनके पास 3 साल का समय है, तो बच्चों उनको कम से कम 24 मंथ वाला प्लान लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि प्रॉपर वे में अगर तैयारी बच्चों मानी जाएगी तो वो कम से कम ये 14 से 18 महीने की तैयारी होती है, और 24 मंथ वाले में बच्चों यही प्लान है। क्या प्लान है? कि 30 घंटे की पर डे लाइव क्लास और ये क्लासेस इंग्लिश हिंदी दोनों लैंग्वेज में, टॉप मोस्ट 77 एजुकेटर आपको मिलेंगे, और बच्चों इसकी फीस है 64,000, यानी कि 1 ईयर का जो प्लान है उससे भी सस्ता प्लान ये 24 मंथ का है। बच्चों सेम यहाँ पर भी आप ये अप्लाई कर सकते हैं, AKS लाइव मेरा रेफरल कोड है, आप इसका प्रयोग करेंगे तो आपकी फीस में आपको 10% का डिस्काउंट यहाँ भी आपको मिलेगा, और आपकी फीस हो जाएगी 57,600। ठीक है, और इसमें भी आपको सेम वो सारी फैसिलिटी बच्चों प्राप्त होंगी जो कि 1 ईयर वाले प्लान में है, सारी चीज आपको प्राप्त होगी, यानी लेकिन आपको मेरा एक कोड यूज करना पड़ेगा तभी आपको 10% का डिस्काउंट प्राप्त होगा। अब बच्चों अब हम लोग आगे चलते हैं कि आखिर हम लोग इस अनअकैडमी प्लेटफॉर्म से आप लोग कैसे जुड़े, अनअकैडमी स्टूडियो प्रभाव से आप लोग कैसे जुड़े। तो बच्चों गूगल प्ले पे स्टोर पे आप जाइए और अनअकैडमी का आप ऐप डाउनलोड कीजिए, और जितने भी कोर्सेज हैं उसमें UPSC CSE को आप क्लिक कीजिए। जैसे आप क्लिक करेंगे तो जितने ये सारे प्लान है आपके सामने ओपन हो जाएंगे, आप ये 12 मंथ वाला प्लान आप इस पर क्लिक कीजिए, और क्लिक करने के साथ ही आप इसको कंटिन्यू वाले बटन पे क्लिक करना है, और क्लिक करने के साथ ही अगेन आपके सामने ऑप्शन आएगा रेफरल कोड का, इस रेफरल कोड आप दोबारा डालिए AKS लाइव और इसको अप्लाई पे क्लिक कर दीजिए, तो आपको इसमें 10% का डिस्काउंट प्राप्त हो जाएगा, यानी कि आपका पेमेंट कंप्लीट हो जाएगा, आपका जो हमारे साथ जो जुड़ाव है एसोसिएशन है वो कंफर्म हो जाएगा, और प्रोसीड टू पेमेंट आप क्लिक कर देंगे, आपका पेमेंट कंप्लीट हो गया, आप हमारे साथ जुड़ गए और आपका और हमारा सफर अब स्टार्ट हो जाएगा। अब बच्चों सबसे पहले अब मैं आपसे इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले आपको बताना चाहूंगा कि मैं आज का जो सेशन है, इस सेशन का जो उद्देश्य है, जो ऑब्जेक्टिव है, मैं पूरा आपसे अभी इसी स्लाइड में डिस्कस कर लूंगा कि आज मैं आपको क्या क्या करने वाला हूँ, क्या क्या पढ़ाने वाला हूँ, क्या क्या समझाने वाला हूँ, और हमारा सफर कैसे चलेगा, ये पूरा डिस्कशन मैं आप लोगों के साथ अभी करता हूँ। बच्चों आज के इस सेशन में आप लोगों के साथ जो एकदम बिगनर है या फिर या तैयारी शुरू ही कर चुके हैं, उनको मैं UPSC प्री ने जो पाठ्यक्रम आप लोगों के लिए निर्धारित किया है उससे मैं आपको एक बार रूबरू कराना चाहूंगा कि आखिर UPSC ने प्री के लिए हिस्ट्री के लिए क्या सिलेबस डिसाइड किया है और उसमें हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है वो मैं आपको बताऊंगा। दूसरा, अभी तक फिलहाल विगत वर्षों में UPSC ने प्रारंभिक परीक्षा में किस साल में कितने प्रश्न पूछे गए हैं और बेसिकली किस किस टॉपिक को आपको इम्पोर्टेंस देना है और किसके लिए आपको पूरी तैयारी अच्छे से करनी है, ये पूरा मैं डिस्कस करूंगा, यानी कि आउट ऑफ 100 कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं हिस्ट्री से, ये मैं पूरी चर्चा करूंगा। और क्वेश्चन के एनालिसिस करने के उपरांत बच्चों में आप लोगों के साथ जो इम्पोर्टेंट बुक्स हैं हिस्ट्री के लिए, यानी कि प्री के लिए जो मेन बुक है उसकी मैं पूरी चर्चा करूंगा, यानी कि अगर आप NCERT बेसिक में पढ़ चुके हैं, ये एडवांस लेवल की बुक है, लेकिन आप इससे भी शुरू कर सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, क्योंकि ये जो तीनों बुक मैं आपको बताऊंगा ये तीनों बुक आपके प्री की परीक्षा के लिए सफिशियंट रहेंगी और आप हिस्ट्री के 80-90% प्रश्नों को हल करने की स्थिति में आ जाएंगे। बच्चों बुक का डिस्कशन करने के उपरांत मैं आप लोगों को जो मेरा आपके साथ सफर रहेगा 100 आवर्स का,
ठीक है, स्पेक्ट्रम के साथ, यानी कि स्पेक्ट्रम को पढ़ने के लिए मैं आपको उन छह रणनीति की चर्चा करूंगा कि जिन छह रणनीतियों के आधार पे मैं आप लोगों को ये पूरी स्पेक्ट्रम कंप्लीट कराऊंगा 100 आवर्स में, और इसको कंप्लीट करने के बाद आप आधुनिक भारत की एक समझ आप लोगों की विकसित हो जाएगी, यानी कि कॉन्सेप्ट के साथ साथ, यानी कि कॉन्सेप्ट के साथ साथ आपको संपूर्ण फैक्ट भी आपको प्राप्त हो जाएंगे, यानी कि 100 घंटे के उपरांत आप लोग इस स्थिति में आ जाएंगे कि आप प्री में मॉडर्न इंडिया के क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं, 90% आपको प्रश्न यहीं से मिल जाएंगे जो 100 आवर्स में आपके साथ कराऊंगा। चलिए दोस्तों बच्चों, मैं अपना सेशन स्टार्ट करता हूं। जैसे मैंने आपको बताया था कि यूपीएससी ने जो सिलेबस डिसाइड किया है उसकी हेडिंग है भारत का इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, यानी कि उसने हिस्ट्री को दो पार्ट में डिवाइड किया, पहला है भारत का इतिहास, दूसरा है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, यानी कि हिस्ट्री ऑफ इंडिया और इंडियन नेशनल मूवमेंट। बच्चों ये जो पार्ट है ये बेसिकली हिस्ट्री ऑफ इंडिया यानी कि भारत के इतिहास के अंतर्गत ही आता है, लेकिन हम इसको सेपरेट पढ़ेंगे क्योंकि इसका अलग इम्पोर्टेंस है, पूरा एक चेन है, यानी कि हम लोग चेन सिस्टम यानी एक से स्टार्ट करेंगे और पूरा लगातार पढ़ते जाएंगे 15 अगस्त 1947 तक। ठीक है, अब बच्चों हम इसकी चर्चा करते हैं कि भारत का इतिहास मतलब यूपीएससी ने बताया हिस्ट्री ऑफ इंडिया के अंदर हम लोगों को तीन चीजें पढ़नी है, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। ठीक है, यानी हिस्ट्री ऑफ इंडिया भारत के इतिहास के अंदर हम लोगों को इन तीनों टॉपिक को पढ़ना है। इसके साथ साथ एक टॉपिक और आता है जो कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के उपरांत स्टार्ट होगा, वो है समकालीन भारत यानी कि स्वतंत्रता के उपरांत का भारत, ये भी हम लोगों को इसी के अंतर्गत पढ़ना है क्योंकि इससे भी एक दो प्रश्न लगातार पूछे जाते रहे हैं। यानी कि बच्चों ये आपका सिलेबस है जो कि यूपीएससी ने आप लोगों के लिए डिसाइड किया है, यानी कि यूपीएससी ने आप लोगों के लिए ये डिसाइड किया है। हेलो, ठीक है, थोड़ा सा डिस्कनेक्शन हो गया बच्चों, यानी कि ये जो मैंने आपको भी समझाया स्लाइड में, यूपीएससी के द्वारा ये सिलेबस आप लोगों के लिए डिसाइड किया गया है। बच्चों हम आगे बढ़ते हैं, ये हमारा सिलेबस हो गया, ये हमारा पाठ्यक्रम हो गया, अब लोग आगे बढ़ते हैं एनालिसिस में। एनालिसिस इन द सेंस कि आखिर अभी तक यूपीएससी किस प्रकार के प्रश्न पूछता है और किस साल में क्या इसका सिनेरियो है। बच्चों यूपीएससी के पेपर में 100 क्वेश्चन आते हैं और आउट ऑफ 100 करीब करीब 16 से 18 प्रश्न, लगभग ये 14 भी होता है, ये 15 भी होता है, ये 17 भी होता है, ये 18 भी होता है, इतने टाइप के, इतने नंबर, इतने क्वेश्चंस हिस्ट्री से पूछे जाते हैं। और क्योंकि अभी हम लोग किस क्या पढ़ रहे हैं, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं मॉडर्न इंडिया आधुनिक भारत थ्रू स्पेक्ट्रम, यानी इसका पता कर लेते हैं। तो बच्चों 9 से 10 प्रश्न लगातार आधुनिक भारत से पूछे जाते हैं, यानी कि आउट ऑफ 16 और 18 क्वेश्चन कितने आएंगे मॉडर्न इंडिया से, 9 और 10 के आसपास, यानी कि आधुनिक भारत जो एक टॉपिक है यानी कि हिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो हम लोगों को मोस्टली फोकस इसी टॉपिक के ऊपर करना है। ऐसा नहीं है कि बाकी के पार्ट को, प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत को इग्नोर करना है, नहीं, लेकिन फोकस हमारा इसके ऊपर ज्यादा रहेगा। ठीक है बच्चों, ये आपका एनालिसिस हो गया, यानी कि आधुनिक भारत को हमें कितना इंपोर्टेंस देना है, कितने प्रश्न पूछे जाते हैं, ये आप लोगों को मेरे ख्याल से अब समझ में आ चुका होगा, यानी कि ये जो मैंने आपको एनालिसिस किया है ये आपको तैयारी में सहायक रहेगा। बच्चों अब जैसे मैंने आपसे कहा था मैं आपको बुक डिस्कस करूंगा पूरे, तो बच्चों एंशियंट यानी कि एक टाटा मैगजीन की बुक आती है, इनके राइटर है पूनम दलाल दहिया, और ये जो बुक है प्राचीन और मध्यकालीन भारत, बच्चों ये एक ऐसी बुक है जो कि
आपने एनसीईआरटी तो पढ़ ही ली होगी, नहीं भी हो तो आप पढ़ रहे होंगे। उसके उपरांत ये दोनों टॉपिक के लिए एकदम सफिशियंट बुक है, यानी कि ये दोनों टॉपिक के लिए आपका पूरा रामबाण की तरह काम करेगा, यानी कि आपको और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यानी कि जो प्राचीन और मध्यकालीन भारत का जो टॉपिक है आपके, वो इसी टॉपिक से कंप्लीट हो जाएंगे और प्री के लिए आपको कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं है। बच्चों अब आता है आधुनिक भारत, यानी कि जो स्पेक्ट्रम की बुक है, स्पेक्ट्रम पब्लिकेशन से आती है। इनके राइटर है सर, एक आईपीएस सर है, राजीव भाई सर, उनके द्वारा इस किताब को लिखा गया है। और ये किताब भी बच्चों आधुनिक भारत के लिए एक तरह से राम बाण है। यानी कि अगर आपको ये पूरी बुक जो मैं 100 आवर्स में कराऊंगा, आप लगातार जुड़े रहे, तो ये आपके लिए रामबाण सिद्ध होगा और आधुनिक भारत के कम से कम 90% प्रश्न आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं प्रारंभिक परीक्षा में। बच्चों इसके साथ साथ एक दिल्ली विश्वविद्यालय की बुक है, भारत का स्वतंत्रता संघर्ष, यानी कि विपिन चंद्रा सर के द्वारा ये बुक लिखी गई है, हिस्टोरियन है। ये बुक क्या है, ये बुक एक प्रकार का नोवेल है, यानी कि आप इसको एक तरह से उपन्यास की तरह पढ़िएगा और एक बार में इसको पढ़िएगा। ये कांग्रेस और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का एक जो सफर है उसके बारे में ही पूरी चर्चा करेगा, यानी कि पूरी आपके अंदर एक स्वतंत्रता संघर्ष की इससे आपके अंदर एक समझ, यानी कि कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा और कॉन्सेप्ट के साथ साथ इस बुक में जो फैक्ट है वो भी आपको समझ आ जाएंगे। यानी कि भारत का जो स्वतंत्रता आंदोलन है उसके लिए ये बुक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चों स्पेक्ट्रम के साथ साथ आपको ये बुक भी पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि ये बुक आपको प्री के साथ साथ मेंस में भी बहुत सपोर्ट करती है। ठीक है बच्चों, अब यानी कि एनालिसिस के बाद अब मैंने आपको मेन जो बुक है हिस्ट्री के लिए वो मैंने आपसे बता दिया, प्राचीन के लिए आपका ये, आधुनिक के लिए स्पेक्ट्रम और भारत का स्वतंत्रता संघर्ष के लिए विपिन चंद्रा। यानी कि अब बच्चों आते हैं, जैसे मैंने आपको बताया ये बुक जो है राजीव अहिर के द्वारा लिखी गई है, आधुनिक भारत का इतिहास, इसका लेटेस्ट वर्जन भी आ चुका है, आप उसी को परचेज कीजिएगा। अब हम बच्चों आते हैं कि हम मैंने इसमें आपको बताया, मैं इस आपका जो मेरे साथ जो सफर होगा 100 घंटे का, उसमें मैं स्पेक्ट्रम को 6 टेक्निक, यानी कि मेरी 6 स्ट्रेटेजी रहेंगी, रणनीति रहेंगी, किसको, स्पेक्ट्रम को आपको पढ़ाने की। अब मैं इस समय इस स्लाइड में आप लोगों के साथ उन 6 रणनीतियों का डिस्कस करूंगा, वो कौन कौन सी 6 रणनीति है जो कि आपको स्पेक्ट्रम के पढ़ने में सहायता यानी कि सहयोग प्रदान करेंगे। ठीक है, सबसे पहला है बच्चों, सबसे पहली रणनीति है कि जब भी हम किसी चैप्टर की शुरुआत करेंगे, आरंभ करेंगे, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि इस चैप्टर को पढ़ने का उद्देश्य क्या है। यानी कि हमें सबसे पहले ये जानना पड़ेगा कि ये आखिर इस चैप्टर को पढ़ने का हमारा उद्देश्य क्या है, हमें इसके अंदर क्या क्या पढ़ना है और इसका पढ़ने का क्या क्या फायदा रहेगा। यानी कि हमें इस चैप्टर का उद्देश्य जानना है, यानी कि हमारी पहली रणनीति स्पेक्ट्रम की कि जैसे ही चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले मैं आपसे उद्देश्य की बात करूंगा कि बच्चों ये जो टॉपिक स्टार्ट होने वाला है, जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, उदाहरण लेते हैं, यूरोपीय कंपनियों का आगमन, यूरोपीय कंपनियों या देशों का आगमन। तो अब ये जो टॉपिक है, अब इस टॉपिक का अर्थ हो गया बच्चों, मैं आप उद्देश्य क्या है, अब इसमें हमें जानना है कि भैया आखिर ये क्यों आए थे, आए भी थे तो इनका उद्देश्य क्या था, और उद्देश्य था तो इनका आने का, इन देशों का आने का क्रम क्या था, और इनके आने के उपरांत वो जिन जिन व्यापारिक, आर्थिक या राजनीतिक गतिविधियों में लिप्त रहे उसका भारत में क्या प्रभाव पड़ा, यानी कि ये हमारा
उद्देश्य रहेगा कि यूरोपीय कंपनी का आगमन क्या है, उनका क्रम क्या है, उन्होंने क्या क्या क्रियाकलाप किए और उस क्रियाकलाप का भारत के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा। यानी कि फर्स्ट रणनीति क्या है, हमें प्रत्येक चैप्टर की हम लोगों को क्या करना है, उद्देश्य जानना है कि हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं। दूसरा, जैसे उद्देश्य के बाद तो दूसरी रणनीति है बच्चों, वो है कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट यानी कि एक समझ विकसित करना, समझ यानी कि हमें इस चैप्टर के पढ़ने के उपरांत हमारे कौन कौन से कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं, यानी कि इस चैप्टर के अंदर कौन कौन से कॉन्सेप्ट है जो कि जिनकी जानकारी हमको प्राप्त करनी है। यानी कि ये सेकेंड रणनीति है। जैसे कि इसको उदाहरण लेते हैं कि ब्रिटिश कंपनी का भारत में साम्राज्य की स्थापना, अब यानी कि ये क्या हो गया, साम्राज्य की स्थापना हो गई भारत में। अब साम्राज्य की जो स्थापना हुई है तो बच्चों कंपनी ने किन किन नीतियों का पालन किया, यानी कि कॉन्सेप्ट क्या हो गया, हमें उन सभी नीतियों की जानकारी चाहिए और उन नीतियों को जानना है कि उन नीतियों के द्वारा कैसे ब्रिटिश कंपनी ने भारत में अपना साम्राज्य स्थापित किया। ठीक है बच्चों, ये हो गया हमारा सेकेंड रणनीति। थर्ड फैक्ट, यानी कि बच्चों ध्यान रखिएगा, हिस्ट्री में या किसी भी टॉपिक में कॉन्सेप्ट के साथ साथ जब तक तथ्य यानी कि फैक्ट का सपोर्ट नहीं मिलेगा, कॉन्सेप्ट हमेशा अधूरा रहेगा। यानी कि ये दोनों एक दूसरे से लिंक है, यानी कि कॉन्सेप्ट को समझना है तो फैक्ट आपको पता होना चाहिए और फैक्ट को याद रखना है तो उसका आपको कॉन्सेप्ट आपको याद होना, समझ उस कॉन्सेप्ट की आपको समझ होनी चाहिए। यानी कि ये दूसरी रणनीति और जो तीसरी रणनीति है वो एक दूसरे से जुड़ी हुई है। ठीक है बच्चों, यानी कि कॉन्सेप्ट के लिए फैक्ट जरूरी है और फैक्ट के लिए कॉन्सेप्ट जरूरी है। ये हो गया हमारा थर्ड। अब आता है कंक्लूजन, निष्कर्ष। यानी कि बच्चों हमने उद्देश्य समझ लिया चैप्टर का क्या है और उसके अंदर के जितने भी कॉन्सेप्ट है वो आपने पढ़ लिए, उसके सपोर्ट के लिए सहयोग के लिए हम लोगों ने फैक्ट भी समझ लिए, याद कर लिए। अब आता है कि आखिर इस चैप्टर से हमने क्या सीखा, या फिर बच्चों कि इस चैप्टर से हमें क्या क्या जानकारी प्राप्त हुई है। ठीक है बच्चों, यानी कि जैसे ही हमें ये पता चल जाएगा कि हमें इस चैप्टर से क्या क्या जानकारी प्राप्त हुई है, यानी कि हमारा जो चैप्टर पढ़ने का जो लक्ष्य है वो पूरा हो जाएगा, यानी कि हमें सारी जानकारी प्राप्त हो चुकी है। अब ये चौथी जो रणनीति है बच्चों, इसका प्रयोग हम करेंगे पांचवी रणनीति के लिए। यानी कि जो चौथी जो रणनीति है वो आधार बनाएगा किसका, पांचवी रणनीति का। और बच्चों पांचवी रणनीति वो क्या है, PYP, यानी कि बच्चों प्रीवियस ईयर पेपर। ठीक बच्चों, यानी कि ये जो PYP है, यानी कि UPSC के द्वारा विगत वर्षों में जो प्रश्न पूछे गए हैं उस चैप्टर से, यानी कि जो चैप्टर हमने पढ़ा है उन सारे PYP का हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, हल करेंगे। तो इससे आपको पता लग जाएगा कि UPSC ने जो पूछा है वो उसको हम लोग हल कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो दोबारा से हमें उस टॉपिक को दोबारा से समझने की जरूरत है। अगर हम लोग कर पा रहे हैं यानी कि हमारा तैयारी का एक स्टेज पूरा हो गया, यानी कि अभी तक UPSC ने जो प्रश्न पूछे हैं उनको करने में हम सक्षम है, यानी कि पांचवी हमारी रणनीति है कि हम एक स्टेज को पार कर गए, UPSC ने जो पूछा है हम उसका जवाब हम लोग दे पा रहे हैं। ठीक है बच्चों, ये हो गया हमारा पांचवी रणनीति। जो सिक्स रणनीति है बच्चों, ये क्या है, ये जो सिक्स स्टेप है, स्ट्रेटेजी है, वो है फ्यूचर के लिए। फ्यूचर मतलब हमने अभी तक क्या किया, पांचवी रणनीति में जो पहले पूछे गए प्रश्न है उनको हल किया, यानी कि हमें समझ में आ गया कि हमें ये चैप्टर समझ में आ चुका है। अब क्या करेंगे, जो प्रश्न अभी तक नहीं पूछे गए या फिर जिन प्रश्नों की पूछी जाने की संभावना है उन प्रश्नों का MCQ यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं आप लोगों के साथ हर टॉपिक के 10 से लेकर के 20 के आसपास जो भी जरूरी होगा मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। यानी कि इस छठी रणनीति के द्वारा, सिक्स स्ट्रेटेजी के द्वारा आप क्या करेंगे, इस चैप्टर से
भविष्य में जो प्रश्न पूछे जाने की संभावना है, हम उसके लिए भी तैयार हो जाएंगे कि यूपीएससी आप पूछिए, हम आंसर करने को तैयार है। यानी कि सिक्स रणनीति जो है वो आपको सेकंड स्टेज यानी कि प्रारंभिक परीक्षा को पास करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और हर चैप्टर का मैं आपको डिस्कशन यानी कि एमसीक्यूज और ऑब्जेक्टिव आपको लगातार देता रहूंगा, डिस्कस करता रहूंगा, यानी कि आपको पूरी जानकारी हो जाएगी कि अब प्रारंभिक परीक्षा में इस टॉपिक से किस प्रकार के प्रश्न और पूछे जा सकते हैं। ठीक है बच्चों, ये तो हो गया हमारा पूरा, छह रणनीति है कि हम लोगों को स्पेक्ट्रम कैसे कैसे पढ़ना है। अब हम जानकारी की तरफ पढ़ते हैं कि हमें कौन कौन से इस स्पेक्ट्रम बुक का स्टेटस क्या है। तो बच्चों बुक का स्टेटस लिख लेते हैं। इस बुक में बच्चों लगभग 10 यूनिट है, यानी कि हम लोगों को 10 इकाई पढ़नी है। और इस 10 इकाई के अंदर बच्चों कितने चैप्टर्स हैं, 39, और इन 39 चैप्टरों का बच्चों हम लोग खत्म करेंगे 100 आवर्स में। ये इस पूरे बुक का स्टेटस है बच्चों, यानी कि इसमें 10 इकाई है, 10 इकाई के अंतर्गत 39 चैप्टर है, अध्याय है, और इन अध्याय को हम लोग पढ़ेंगे 100 घंटे के अंतर्गत, लगभग 100 घंटे के आसपास आपको इसे लेंगे। अब बच्चों आते हैं हम लोग अब जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इन इकाइयों में हमें पढ़ना क्या क्या है, मॉडर्न इंडिया में हमें हमारा पढ़ने का क्या रहेगा। तो बच्चों फर्स्ट जो इकाई है, फर्स्ट यूनिट है, उसमें टॉपिक है, अध्याय दो है, आधुनिक भारत के स्रोत और उपागम। यानी कि स्रोत का तो अब यानी कि बच्चों इस इकाई में हम लोग यानी कि आधुनिक भारत को जिन सोर्सेस के आधार पर लिखा गया, यानी कि हम उन सोर्सेस की जानकारी प्राप्त करेंगे जिनके आधार पर आधुनिक भारत के इतिहास को लिखा गया है। यानी कि सोर्स एग्जाम्पल जितने भी राज्य की पुरालेख है, यानी कि ब्रिटिश कंपनी के द्वारा जो भी चार्टर अधिनियम जारी किए गए थे, उन सारे अधिनियमों का भी हम लोगों ने, हिस्टोरियन ने क्या किया था, उसका आधुनिक भारत के इतिहास को लिखने में प्रयोग किया था। प्लस राजकीय अभिलेखों के साथ साथ बच्चों विभिन्न समाचार पत्रों में उस समय की जो जानकारी दी जाती थी उसके द्वारा भी इतिहास लिखा गया है। प्लस विभिन्न लोगों के द्वारा जो पुस्तकें लिखी गई है उससे भी एक प्रकार का स्रोत है आधुनिक भारत की जानकारी के लिए। उसके उपरांत जो विदेशी पत्रकारों ने या विदेशी लोगों ने जो किताबें लिखी है वो भी हमारा क्या है, एक प्रकार के आधुनिक भारत की जानकारी का ये स्रोत है। यानी कि इसमें और भी चीजें हैं बच्चों, डिटेल में जब मैं टॉपिक में आपको पढ़ाऊंगा तब डिस्कस करूंगा। अभी हम लोग एक रफली थोरली पूरा एक डिस्कस कर लेते हैं, सफर कर लेते हैं हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है। दूसरा बच्चों है उपागम। उपागम का अर्थ है अप्रोच, यानी कि जिन सामग्री के आधार पे, जिस रिसोर्स स्रोत के आधार पे आधुनिक भारत के इतिहास को लिखा गया है उसको लिखने में अप्रोच कैसे है, उपागम क्या है। तो फर्स्ट है साम्राज्यवादी उपागम, यानी कि साम्राज्यवादी इतिहासकारों ने अपने फायदे के लिए और अपने अनुसार आधुनिक भारत के इतिहास को लिखा है। तो वो पूरा डिटेल में डिस्कस करूंगा कैसे लिखा है और उसका कारण क्या था लिखने का, ये पूरा मैं आपसे डिटेल से डिस्कस करूंगा। दूसरा आएगा राष्ट्रवादी, तीसरा मार्क्सवादी, और चौथा जो सबसे लेटेस्ट है जो अभी चल रहा है वह है सब अल्टर्न, यानी कि ये एक नए प्रकार का इतिहास है। ये पूरा डिटेल से बच्चों में क्लास में टॉपिक पढ़ाऊंगा, ये वाला पहला, तब मैं डिस्कस करूंगा ये है क्या और इनके आधार क्या क्या है इतिहास को लिखने के। ठीक है बच्चों, अब दूसरा आता है भारत में यूरोपियनों का आगमन और एवं ब्रिटिश शक्ति का सुदृढ़ीकरण या विस्तार, यानी कि ये दूसरी इकाई है। इसमें बच्चे हम लोगों को पढ़ना है कि वो कौन कौन से देश थे जो कि भारत में आए व्यापार के लिए, उनका क्रम क्या था, उन्होंने क्या क्या यहाँ पे कार्य किए और उनका क्या क्या प्रभाव पड़ा, ये सारी चीजें हम लोग इस टॉपिक के अंतर्गत पढ़ेंगे। उसके उपरांत आखिर इन सभी देशों में ब्रिटिश जो कंपनी है वही सफल क्यों रही, हम लोग पूरा इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। और जैसी सफलता प्राप्त होगी उसके बाद क्या होगा, भारत में ब्रिटिश कंपनी का साम्राज्य स्थापित हो जाएगा,
तो इसकी भी चर्चा करेंगे, वो कौन कौन सी नीतियां थी जिन नीतियों के द्वारा ब्रिटिश कंपनी ने भारत में अपना साम्राज्य स्थापित किया। यानी कि बच्चों इस इकाई में हम लोगों को ब्रिटिश कंपनी के साम्राज्य स्थापना तक पढ़ना है। आगे नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कौन सी यूनिट है। बच्चों नेक्स्ट जो यूनिट है वो है ब्रिटिश शासन के विरुद्ध बढ़ता हुआ विद्वेष। यानी कि बच्चों ये एक लॉजिक भी है और ऑटोमेटिक प्रतिक्रिया भी है। अगर कोई विदेशी शक्ति किसी देश में अपना शासन स्थापित करती है तो इसका अर्थ है उसके विरुद्ध वहां जो ऑलरेडी क्षेत्रीय शक्तियां हैं या फिर जो लोकल लोग वो क्या करेंगे, विद्रोह आरंभ कर देंगे। तो ऑटोमेटिक जैसे ही ब्रिटिश कंपनी ने अपना शासन स्थापित किया यहाँ के भारतीय लोगों के द्वारा उसके विरुद्ध विद्रोह आरंभ हो गया। और बच्चों ये जो विद्रोह है वो हम लोग दो रूपों में देखेंगे। पहले विद्रोह माने जाएंगे प्रारंभिक विद्रोह, यानी कि 1757 से लेकर 1857 तक के जितने भी 100 वर्षों के विद्रोह हैं, चाहे वो नागरिक विद्रोह हो, चाहे वो आपका आदिवासी हो, चाहे वो किसान हो, जितने भी विद्रोह हैं बच्चों हम इन सभी विद्रोह को प्रारंभिक विद्रोह के नाम से जानते हैं। उन सारों की चर्चा करेंगे और इस प्रारंभिक विद्रोह के उपरांत 1857 की क्रांति को हम लोगों को पढ़ना है इस इकाई के अंतर्गत। यानी कि 1857 की क्रांति को बच्चों भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्रामी माना जा सकता है। इसकी हम लोग पूरी चर्चा करेंगे, माना क्यों नहीं जाता, माना जा सकता है, इस सारा डिटेल में जब इस टॉपिक को पढ़ेंगे तब मैं बताऊंगा कि 1857 की क्रांति का स्वरूप क्या था। यानी कि इस इकाई में हम लोगों को प्रारंभिक विद्रोह और 1857 की क्रांति के बारे में पूरा पढ़ना है बच्चों। दूसरा, इस इकाई में बच्चों को हम लोग पढ़ना है सुधार आंदोलन। यानी कि 19वीं शताब्दी के आरंभ होने के साथ ही भारत में पुनर्जागरण आरंभ हो जाता है और भारत में सामाजिक और धार्मिक क्षेत्र में तेजी से सुधार दिखाई देने लगता है। और हम लोग को इस टॉपिक पढ़ना है वो जो सुधार हुए थे वो व्यक्तिगत प्रयास के द्वारा हुए थे और संस्थागत प्रयास के द्वारा हुए थे और कुछ धार्मिक आंदोलनों के द्वारा भी सुधार किया गया था। धार्मिक सुधार मतलब कुछ धार्मिक संप्रदाय को सुधारने के लिए कुछ लोगों ने प्रयास किया था, वो भी हम लोग को पढ़ना है। और व्यक्तिगत संस्थागत का तो क्या, जैसे राजा राममोहन राय उनके द्वारा कौन कौन से प्रयास किए गए थे सामाजिक सुधार के लिए, चाहे वो धार्मिक सुधार के लिए, चाहे वो सती प्रथा के लिए हो, चाहे वो स्त्री शिक्षा के लिए हो, चाहे वो किसी भी सामाजिक सुधार से संबंधित हो, हमें ये व्यक्तिगत प्रयास पढ़ना है। राजा राममोहन राय का, विवेकानंद जी का, दयानंद सरस्वती का, यानी कि जो विभिन्न लोगों ने सामाजिक और धार्मिक सुधार के लिए व्यक्तिगत प्रयास किए थे वो हम लोगों को सेपरेटली पढ़ना है। उसके साथ साथ कुछ लोगों के द्वारा संस्थाएं भी बनाई गई थी, जैसे राजा राममोहन ने ब्रह्म समाज बनाया था, आर्य समाज, प्रार्थना समाज। यानी कि बच्चों हमें जो संस्था बनाने के बाद और सामाजिक और धार्मिक सुधार के लिए इन संस्थाओं के जो प्रयास थे उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे इस टॉपिक के अंतर्गत, और सुधार का क्या प्रभाव पड़ा और इस सुधार ने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में अपनी क्या भूमिका अदा की, वो भी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, यानी कि कैसे इन सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को भी एक तरह से आधार प्रदान किया, उसकी भी चर्चा हम लोग बच्चों करेंगे। हम आते हैं नेक्स्ट यूनिट के ऊपर बच्चों। नेक्स्ट यूनिट है स्वतंत्रता संघर्ष का आरंभ। यानी कि बच्चों 1857 की क्रांति के उपरांत इस इकाई के अंदर हम लोग पढ़ना है भारत में राष्ट्रवाद का उद्भव। यानी कि 1857 के बाद आखिर वो कौन कौन से कारण थे जिन कारणों की वजह से राष्ट्रवाद का उद्भव हुआ और इस राष्ट्रवाद ने राष्ट्रीय आंदोलन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। और उन कारणों की चर्चा के साथ साथ जैसे कौन कौन से सामाजिक कारण थे या ब्रिटिश नीतियां थी या रेलवे का विकास था, जो भी विभिन्न कारण है उन सारे कारणों की हम लोग चर्चा करेंगे और प्लस
इस राष्ट्रवाद के उद्भव ने भारत पर अपना क्या प्रभाव डाला, उसकी हम लोग चर्चा करेंगे। राष्ट्रवाद के उपरांत बच्चों हम लोग एक टॉपिक और पढ़ना, इसमें यह आएगा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, कांग्रेस की स्थापना और नरम दल का प्रभाव, यानी कि कांग्रेस की स्थापना कैसे हुई और इस कांग्रेस ने किन विभिन्न विभिन्न आंदोलनों के द्वारा कालांतर में भविष्य में राष्ट्रीय आंदोलन यानी कि स्वतंत्रता आंदोलन में अपनी भूमिका अदा की, इसकी पूरी चर्चा हम लोग धीरे धीरे अलग अलग यूनिट में अलग अलग चैप्टर में करते जाएंगे। इस चैप्टर में आखिर क्यों इसकी स्थापना हुई और इसका क्या प्रभाव रहा पूरा पढ़ेंगे, प्लस आरंभ में नरम दल का इसके ऊपर क्या प्रभाव था और नरम दल की वो कौन कौन सी नीतियां थी उसके बारे में चर्चा करेंगे। अब जो नरम दल की नीतियां थी उसका कुछ एक दल था जिसको हम कहते हैं गरम दल एक्सट्रीमिस्ट, वो उससे सहमत नहीं था। ये दल भी किसके अंतर्गत था, कांग्रेस के अंतर्गत, और गरम दल की नरम दल की नीतियों से गरम दल के व्यक्ति जैसे लाला लाजपत राय, विपिन चंद पाल, ये लोग क्या है, बाल गंगाधर तिलक, ये लोग सहयोग समर्थन नहीं करते थे, यानी कि इनके विरोध में इन्होंने अपने कांग्रेस के ऊपर अपना प्रभाव स्थापित करना आरंभ कर दिया। तो 1905 से लेकर के 1918 तक कांग्रेस पर किसका किसका प्रभाव रहेगा, गरम दल और नरम दल का। लेकिन 1907 में गरम दल में यानी कि सूरत विभाजन से नरम दल का प्रभाव कांग्रेस को स्थापित हो जाता है और गरम दल को कांग्रेस से अलग कर दिया जाता है। लेकिन फिर भी भारत की राजनीति पर और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन पर गरम दल का प्रभाव हम लोग तब भी देखेंगे, चाहे वो क्रांतिकारी के प्रथम चरण के रूप में देखें, चाहे वो होम रूल आंदोलन के रूप में, चाहे प्रथम विश्व युद्ध के दौरान देखें। यानी कि 1919 से जो गांधी युग आरंभ होगा उससे पहले की जितने भी घटनाएं बच्चों, होम रूल आंदोलन, कामागाट्रू, स्वदेशी आंदोलन, जितनी भी चीजें, यानी स्वदेशी आंदोलन बंगाल विभाजन के तुरंत बाद आरंभ होता है, चाहे वो होम रूल हो, चाहे वो जलियांवाला कांड हो, चाहे वो रॉलेट एक्ट हो, बच्चों उन सारी की सारी चर्चा हम लोग रॉलेट एक्ट हो हम किस में करेंगे, राष्ट्रीय आंदोलन में इस वाले पार्ट के अंतर्गत करेंगे। अब आता है बच्चों 1918 के बाद भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में गांधी का आरंभ हो जाएगा, यानी कि गांधी युग आरंभ हो जाएगा, यानी इसको आधुनिक भारत के इतिहास में गांधी युग के नाम से भी जाना जाता है। और गांधी युग में टोटल कितने इंपोर्टेंट वो है, पहला है असहयोग, दूसरा है सविनय अवज्ञा और तीसरा है भारत छोड़ो आंदोलन, यानी कि पूरे के पूरे गांधी युग में बच्चों हमें ये तीन जो उनके आंदोलन थे उसकी चर्चा करनी है। लेकिन ये जो वाला पार्ट है 1919 से 1939 तक, इसमें हम लोगों को जो द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ होता है मात्र उन्हीं घटनाओं की चर्चा करनी है, यानी कि असहयोग आंदोलन के आरंभ होने से और द्वितीय विश्व युद्ध के आरंभ होने तक की जितनी भी घटनाएं हम लोग इसमें पढ़ेंगे, चाहे वो बच्चों असहयोग आंदोलन हो, चाहे उसके बाद स्वराज पार्टी का गठन हो, चाहे वो क्रांतिकारियों का द्वितीय चरण हो, चाहे वो आपका साइमन कमीशन का आगमन हो, चाहे वो आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन हो, ठीक है बच्चों, चाहे वो गोलमेज सम्मेलन हो, चाहे वो 1935 का अधिनियम हो, चाहे वो 1937 के चुनाव हो जिसमें कांग्रेस को बहुमत प्राप्त होता है और वो अपनी सरकार बनाती है, यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध के आरंभ होने से पहले इन सारी घटनाओं का हम लोग इस इकाई में चर्चा करेंगे। इस इकाई के साथ साथ इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा समाजवादी विचारधारा का उद्भव, यानी कि हम लोगों को इस युग में 1919 से लेकर 1939 तक, यानी कि 15 अगस्त तक 1947 तक भी समाजवादी विचारधारा का
भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन क्या प्रभाव पड़ा, वो इसका आरंभ यहाँ से हो जाएगा, 1917 की रूस की क्रांति से होता है, लेकिन हम लोग यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करेंगे कि इसका क्या प्रभाव पड़ा और प्रभाव पड़ने से इसने कैसे राष्ट्रीय आंदोलन की दिशा को परिवर्तित किया। और इसके साथ साथ कुछ और भी चीजें हैं, कुछ मजदूर आंदोलन भी रहेंगे, कुछ किसान आंदोलन भी रहेंगे, यानी कि इनमें विभिन्न छोटे 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 टॉपिक है जिनका अध्ययन हम लोगों को इसके अंतर्गत पढ़ना है। उसको हम लोग एक क्रम से पढ़ेंगे क्योंकि एक घटना ने दूसरी घटना को आरंभ करने में हमेशा अपना आधार प्रदान किया है, तो इसको हम लोग क्रम से पढ़ाई करेंगे। अब आता है नेक्स्ट इकाई, राष्ट्र स्वतंत्रता एवं विभाजन की ओर, यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध के उपरांत जितनी भी घटनाएं हैं, चाहे वो अगस्त प्रस्ताव हो, चाहे वो क्रिप्च मिशन हो, चाहे वो भारत छोड़ो आंदोलन हो बच्चों, चाहे वो वेवेल योजना हो, चाहे वो कैबिनेट मिशन हो, चाहे वो माउंटबेटन योजना हो, चाहे वो इटली की घोषणा हो, जितनी भी चीजें, यानी कि 15 अगस्त 1947 तक की सारी घटनाओं का हम लोगों को इस इकाई के अंदर अध्ययन करना है। ठीक है बच्चों, यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध के आरंभ होने के उपरांत और 15 अगस्त 1947 यानी 47 और विभाजन तक हम लोगों को सारे टॉपिक किसमें पढ़ने हैं, इसके अंतर्गत पढ़ने हैं। और सारे टॉपिक को हम लोग क्रम से पढ़ेंगे क्योंकि हर टॉपिक दूसरे टॉपिक का कारण होता है, ये आपको हिस्ट्री में जानने की बहुत आवश्यकता है। ठीक है, तो इसको हम लोग को एक क्रम से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, इस इकाई के अंतर्गत हम लोगों को ये सारी चीजें पढ़नी है। हम लोग आगे चलते हैं, नेक्स्ट जो टॉपिक है बच्चों, ये जो टॉपिक है ये ब्रिटिश शासन के अधीन भारत, शासन एवं अन्य पहलू, यानी कि कंपनी के 1600 के चार्टर से लेकर और स्वतंत्रता आंदोलन यानी कि 1947 तक कंपनी के अधीन भारत में जितनी भी नीतियां थी उन सभी की चर्चा करनी है, चाहे वो जितने चार्टर अधिनियम हो वो सारा पढ़ना है इसके टॉपिक के अंतर्गत। दूसरा, इसमें कंपनी के द्वारा शिक्षा का कैसे विकास किया वो पढ़ना है, प्रेस का विकास कैसे पढ़ना है, रियासतों के साथ संबंध वो कैसे थे वो पढ़ना है, यानी कि इसमें बच्चों और भी बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक हैं वो इस इकाई के अंदर पढ़ना है, जिसका आरंभ हो जाएगा 1600 ईस्वी यानी कि जब ब्रिटिश कंपनी की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी तब से लेकर 1947 तक जितनी भी नीतियां हैं और जितनी भी चीजें हैं वो सारा हम लोग इसके अंतर्गत छोटे छोटे रूप में पढ़ेंगे, जिससे कि एक होल सिनेरियो में आपको पूरा एक आइडिया हो जाएगा कि ब्रिटिश कंपनी की कौन कौन सी नीतियां थी, जिन नीतियों के आधार पर उन्होंने साम्राज्य स्थापना किया और उन नीतियों के विरुद्ध राष्ट्रीय आंदोलन ने कैसे फायदा उठाया उन नीतियों के, नीतियों का और नीतियों के विरोध दोनों भी इसके अंतर्गत सारी सारी चीजें, एक पूरा एक एनालिसिस इसके अंतर्गत हमारे पूरा एक सफर रहेगा, यानी कि इसके अंदर जितने भी छोटे छोटे टॉपिक बच्चे इससे प्रश्न भी पूछे जाते हैं सारा का सारा हम लोग इसी के अंतर्गत कहेंगे। एक बार आप ये भी कह सकते हैं ये सबसे बड़ा टॉपिक यही माना जाएगा। उसके बाद आता है स्वतंत्रता एवं स्वतंत्रता के बाद, यानी कि 15 अगस्त 1947 जब स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी उस समय की स्थिति के बारे में चर्चा करेंगे, यानी कि कौन कौन सी भारत के समक्ष समस्याएं थी, चाहे वो समस्या सामाजिक हो, चाहे वो समस्या आर्थिक हो बच्चों, चाहे वो समस्या राजनीतिक हो, चाहे वो कैसी भी हो, उन सारी की सारी समस्याएं हम लोग स्थिति जाने की कौन कौन सी समस्याएं, चाहे वो राजनीतिक रूप से रियासतों के एकीकरण की समस्या हो, उन सभी की चर्चा हम लोग इसके अंतर्गत करेंगे। और बच्चों इसके साथ साथ स्वतंत्रता के बाद इन समस्याओं के निराकरण करने के साथ साथ भारत का कैसे विकास हुआ है उसकी भी चर्चा हम लोग इसी टॉपिक के अंतर्गत करेंगे, चाहे वो सामाजिक विकास हो, चाहे वो आर्थिक विकास हो, चाहे राजनीतिक रूप से राज्यों का पुनर्गठन हो, इन सारी की सारी चर्चा हम लोग इसके अंतर्गत करेंगे। और बच्चों इसको हम लोग पूरे संपूर्ण रूप में भी कह सकते हैं ये टॉपिक आएगा समकालीन
भारत के अंतर्गत। ठीक है बच्चों, ये हमारा पूरा एक होल सिनेरियो है, स्पेक्ट्रम को कैसे पढ़ना है, 6 रणनीति होगी हमारी और सारे के सारे इकाइयों के अंदर जो टॉपिक्स पढ़ने हैं, ये पूरा मैंने थोड़ी आपको पूरा मेरे अपने साथ एक सफर कराया है किन किन टॉपिकों को पढ़ना है बच्चों। अब बच्चों ये मेरा आज का सेशन है समाप्त होने वाला है, और बच्चों आपको ये जो लाइक वाला बटन है उसको आप क्लिक कीजिए, इसको लाइक कीजिए, क्योंकि जैसे जितना आप हमको लाइक करेंगे उतना हमें एनर्जी मिलती रहेगी और हम उसी एनर्जी के साथ आपको लगातार पढ़ाते रहेंगे और आपको तैयारी कराते रहेंगे। और दूसरा, लगातार आप नए नए सेशन को प्राप्त करने के लिए इस अनअकैडमी स्टूडियो प्रभाव के चैनल को बच्चों सब्सक्राइब कीजिए और नए नए सेशन की जानकारी, नए नए प्लान की जानकारी और नई नई चीजों के बारे में, क्लासेस के बारे में आपको जानकारी लगातार मिलती रहेगी। इसके लिए आप इसको सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, गुड इवनिंग।